वैलेंटाइंस डे आ रहा है और आप सब अपने पार्टनर से मिलने जाएंगे या कोई ना कोई तैयारी करने वाले हैं, डेट प्लान करने वाले हैं, तो उनमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, फ्रॉम योर अपेरेंस टू योर ग्रूमिंग, और क्या बात करनी है, डिटेल में आज इस वीडियो में बताऊंगी। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज ये वीडियो स्पेशली वैलेंटाइन प्रिपरेशन के लिए है, और अगर आप भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, ताकि वो छोटी छोटी गलतियां जो हम कर देते हैं जिसकी वजह से डेट खराब हो जाती है वो ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं बता रही थी कि डेट की तैयारी पे किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो है आपकी अपेरेंस। अपेरेंस हमें सबसे पहले हमारे पार्टनर से अट्रैक्ट करती है, तो यू शुड ऑलवेज वियर द क्लोथ्स दैट यू आर कंफर्टेबल विद। हम सब अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, मे बी कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई पतला है, किसी को लगता है मुझे चश्मा लगा हुआ है, ऐसे हम बहुत बार अनकंफर्टेबल रहते हैं, किसी को अपना कलर है, कहीं स्कार है, तो बेटर है वो कपड़े पहनिए जिससे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपका कंफर्ट लेवल आपका अपनी बॉडी से लव दिखाता है और वही आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। डोंट वियर समथिंग यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद। टिप नंबर टू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डेट, हैव अ प्लान रेडी। वो प्लान ऐसे भी होना चाहिए कि कब, कहाँ, कितने बजे मिलना है, क्या चीज़ें रेडी हों, सो हैव अ प्लान रेडी। और थर्ड चीज़ में, प्लान में जो एक चीज़ ऐड करने वाली हूँ वो है गिफ्टिंग। इफ़ यू आर गिफ्टिंग समथिंग, लेट्स से वैलेंटाइन स्पेशल कुछ है, हैव एन आइडिया कि आपके पार्टनर को क्या अच्छा लगता है। नहीं, एक्सेसरीज में ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको, कोई मे बी शो पीस ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो ट्राई टू थिंक ओवर बिफोर यू आर बाइंग अ गिफ्ट दैट व्हाट एग्जैक्टली दे लाइक। बट जब हम ड्रेस हो रहे हैं तो हमें अपने हिसाब से ध्यान रखना है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज योर ओरल हाइजीन, बिकॉज किस इज़ वेरी कॉमन व्हेन यू आर डूइंग इट। तो अपने ओरल हाइजीन पे ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा खाली पेट या बहुत ज़्यादा कुछ खा के जिसका स्मेल आ रहा हो या आप मे बी बहुत फ्रेश नहीं है माउथ से, ऐसा आपने नहीं करना है। अपने ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल सूदिंग रहें, पास्ट की सारी नेगेटिव बातें इन सबको ना लेकर आने के बजाय अपने पर्सनल स्टफ पे जो अभी प्रेजेंट हमारे साथ अच्छा हो रहा है उस पर डिस्कस करें। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर सेक्सुअल ग्रूमिंग, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हमें लगता है कि हम ऊपर से अच्छे लग रहे हैं, हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट हम अपनी बॉडी की जो एग्जैक्टली सेक्सुअल ग्रूमिंग है उस पर ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट होता है दैट यू हैव टू रिमूव योर एक्सेसिव हेयर्स, जो हमें लगता है हमारे लोअर एरियाज में या फिर फोरप्ले के दौरान हमारी बॉडी में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेयर्स वेयर यू डोंट लुक वेरी ऑफन, बट जब हम सेक्स परफॉर्म करते हैं या परफॉर्मेंस के टाइम पर होते हैं तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्टर होनी चाहिए, पास्ट इवेंट्स को आपने लेकर नहीं आना है। अपनी ग्रूमिंग के साथ साथ अपने पार्टनर के उन पार्ट्स को ज़रूर समझना है कि उन्हें क्या पसंद है या उन्हें किस चीज़ पे कम्युनिकेशन पसंद है। कहीं प्लान कर रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली प्लेस शी वांट्स। वैलेंटाइन इज़ नॉट समथिंग कि आपको उसे बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाने का प्रेशर है। ये वो डे है जब आप अपनी लव को एक्सप्रेस करते हैं एंड यू फाइंड लव इन द एयर, एवरीबडी एल्स इज डूइंग इट, तो आपको वो स्पेशल फील कराता है। वैसे तो एवरी डे इज वैलेंटाइन डे, बट अ स्पेशल प्रिपरेशन इस दिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी शादी हो चुकी है, नई हुई है, पहली मीटिंग है, सेकेंड डेट है, वट एवर इट वुड बी, प्रिपरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको सारे असेंशियल्स बता दिए जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो बने रहें, जुड़े रहें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ कनेक्ट करते रहें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे वीडियोज के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं मैं बात करूँ।